नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर का ये पांचवा वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। जो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीपीएससी अगर आपका हो या आरपीएससी हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे कंटेंट आपके दिमाग में जो है इसको रचा बसा लीजिए, जिससे कि आप वहां पे अच्छे मार्क्स गेट कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला कंटेंट यूपी से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में तो बहुत ही ज्यादा जो है इसके चांस है पूछे जाने के, इसलिए इसको तो आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा ही लीजिएगा। बाकी जगह भी पूछा जा सकता है, लेकिन यूपी में तो हमें ऐसा लग रहा कि इसे पूछ ही लिया जाना चाहिए एग्जाम में। क्या है, उत्तर प्रदेश में पहले ओपन तितली पार्क का शुभारंभ हुआ। कहां, क्या, किसका शुभारंभ हुआ? पहले ओपन तितली पार्क का शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ कहां किया गया? उत्तर प्रदेश में पहले तितली पार्क का शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो किसने किया इसका शुभारंभ? तो वन मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, तारा सिंह चौहान द्वारा किया गया। इसके पहले क्या तितली पार्क का मतलब भारत में और भी तितली पार्क हैं? तो बिल्कुल है, दिल्ली में है, मुंबई में है, गोवा और केरल। दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु और केरल के बाद अब यह उत्तर प्रदेश का जो है तितली पार्क है, और उत्तर प्रदेश में यह पहला तितली पार्क है। ठीक है, और यह तितली पार्क कहां है? लखनऊ में है। कहां है? लखनऊ में है। आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कहां है ये? लखनऊ में है। आप बिल्कुल गड़बड़ मत करें, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना, इसके सारी की सारी बातें इसको नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। और वो उसका जहां पे ओपन तितली पार्क का शुभारंभ किया गया, वो जगह कौन सा है? तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। और ये कहां है? लखनऊ में है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। अब अगली बात तो आपकी जानकारी के लिए ऐसे रखना चाहिए आपको, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तितली की 150 प्रजातियां हैं यहां पर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में। तितली कितनी प्रजातियां हैं? 150 प्रजातियां। ये रहा यूपी से रिलेटेड एक टॉपिक, ओपन तितली पार्क से संबंधित। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला ओपन तितली पार्क कहाँ खोला गया? लखनऊ में। कि लखनऊ में कहाँ, किस उद्यान में खोला गया? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के अंतर्गत है। ठीक है, अगला कंटेंट उठाते हैं। राष्ट्रव्यापी ग्राम स्वराज अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की सभी 10,971 ग्राम पंचायतों के 20,000 गांवों में स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। कहां स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है ना, कहां पे? छत्तीसगढ़ में। और नाम किस अभियान के तहत? ग्राम स्वराज अभियान के तहत। किसके तहत? ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज अभियान के शुभारंभ पिछले वीडियो हमने बताया था कहां से किया गया? छत्तीसगढ़ से ही किया गया था। ठीक है, किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल याद रखिए। अगला कंटेंट, इस वर्ष गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में, अब पहले तो ये नंबर याद कर लीजिएगा कौन से नंबर का राष्ट्रमंडल खेल था, तो 21वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल है। ठीक है, मैं भारत को 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदकों सहित कुल 66 पदक मिले हैं। भारत को कुल कितने पदक मिले? कुल 66 पदक मिले हैं। बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को कुल कितने मिले हैं? 198 पदक ऑस्ट्रेलिया को मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया कितने मिले? 198। भारत को कितने मिले? कुल 66 मिले। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत को कितने मिले? 66। ठीक है ना, अब इसे आउटेड अगर प्रश्न बनाया, क्योंकि अब पीसीएस का भी लेवल अप हो गया है, तो अब निश्चित तौर मान के चलिए कि कई स्टेटमेंट वाले प्रश्न इसमें भी मिलने वाले हैं आपको आईएएस की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाग। और एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? शेख अहमद अल सबाह। बिल्कुल याद रखिएगा, जितनी बातें बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा जानबूझ के थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं, वीडियो को दो बार देख लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा और एग्जाम में तो आप करके ही आओगे, ये श्योर मान के चलिए। ठीक है, अगला है, कोलकाता के भवानीपुर इलाके में स्थित मेट्रो स्टेशन नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन देश का पहला ऐसा मेट्रो स्टेशन है जहां सारा कामकाज महिलाएं संभालती हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेट्रो स्टेशन है जहां सभी कामकाज कौन संभालता? महिलाएं संभालती हैं। तो वो है नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन।
कौन है? नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन कहाँ है? भवानीपुर इलाके में है। ये भवानीपुर इलाका कहाँ है? कोलकाता में। बिल्कुल एकदम से बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना, गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। 8 मार्च 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इसे ऑल वुमेन मेट्रो स्टेशन घोषित किया गया। आप ये तो आपको पता ही होगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नहीं पता है तो आपको रिवीजन हो गया इसी बहाने, ठीक है। और रिवीजन तो आपको करते ही रहना चाहिए, वीडियोस को बार बार ओपन करके बार बार देख लिया कीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी तो आप जब एग्जाम देके आओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आपको जो आपके लिए मेहनत किसी ने किया था और आपको उसका फल मिलेगा निश्चित तौर पे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और आगे बात को समझते हैं। तो क्या कहा गया, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी मौके पर इस स्टेशन को, भवानीपुर इलाके के जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन, उसको जो है क्या घोषित किया गया, इसको यह घोषित किया गया कि यह स्टेशन पूर्णतः जो है महिलाओं द्वारा कार्य किया जाने वाला स्टेशन, इसमें सभी कामकाज कौन संभालता है, महिलाएं संभालती, इसे घोषित किया गया ऑल वुमेन मेट्रो स्टेशन। क्या घोषित किया गया? ऑल वुमेन मेट्रो स्टेशन। हमने इतनी बार बोल दिया, निश्चित तौर पर आपके दिमाग में बन गया होगा बात। तो फ्रेंड्स बस करते इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जितनी बातें बताई गई हैं उतनी बातों को तितली पार्क बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ये जो कंटेंट है, राष्ट्रव्यापी ग्राम स्वराज अभियान छत्तीसगढ़ से शुरुआत किया गया और सभी 10,971 ग्राम पंचायतों के 20,000 गांवों में स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया। पूरे के पूरे कितने ग्राम पंचायत है वहां पे, ये भी हो गया 10,971। कंटेंट बना के आ सकता है, भारत छत्तीसगढ़ अगर पीसेस कोई देगा तो वहां के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम सब जो है इस सबको तैयार करके रखते हैं जिससे एग्जाम में कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। अगर कोई डाउट्स बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।